नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। रामलीला मेले में जादूगर ने मचाया धमाल। रामलीला मैदान में जादूगर ने नए नए तरीके से सिखाया जादू, जैसे रस्सी को बनाया डंडे की तरह और अखबार के टुकड़े को जलाकर बनाया 100 रुपए का नोट और एक कलश में पानी का बार बार निकलना दिखाया और एक कपड़े के अंदर लड़की को बंद कर गायब करना भी सिखाया। सो देखकर रह गए लोग आश्चर्यचकित। वही जादू दिखा रहे मोहम्मद फिरोज ने बताया कि पहले मेरे नाना जादू सिखाते थे, उनसे मैंने सीखा है और मैं करीब 25 वर्ष से जादू सिखा रहा हूँ। सारा खेल नज़रबंदी का है, जादू करना हमारा पेशा बन चुका है, इसी से हमारा परिवार का पेट पालन होता है। पेशे खुर्जा से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद जी, ये जो करते हो कितने वर्ष हो गए आपको? भैया हो गए 25 साल हो गए। अच्छा, क्या है ये जो करते हो? ये केवल हाथ की सफाई मैजिक का शो है, ये बच्चों का मनोरंजन है। तो ये जगह जगह मेले में जाके करते? हाँ जी, मेले में चलाते हैं। अच्छा, तो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए मेरे को। हाँ, कहाँ से सीखा था ये? मेरे मामू थे। अच्छा। हाँ, उनका नाम था अब्दुल रहमान। वो भी करते थे। उनकी तो जिंदगी इसी में चली गई, तो करते करते वो चल बसे यहाँ से। ये हुनर, ये कला उन्होंने दे दी हमारे हाथ में।